तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक अगेन टू माय न्यू GTA 5 मॉडिंग वाली वीडियो। तो गाइस यार, आज मैं आप लोगों के लिए फिर से लेकर आ गया हूं भाई GTA 5 मॉडिंग वाली वीडियो। तो गाइस आज मैं फिर से एक इंडियन गाड़ी का मॉड लेकर आ गया हूं भाई, जो कि भाई अपनी हुंडई की i10। तो यहां पर देख सकते हो भाई, यहां पर लगी अपनी व्हाइट कलर में हुंडई की i10। देख सकते हो यार, इसका टेक्सचर जो है बिल्कुल मस्त है भाई, और मुझे भाई बहुत ज्यादा खतरनाक लगी, इसलिए भाई मैं वीडियो बना रहा हूं। तो भाई यार, आप लोग पहले गाड़ी का एक बार लुक देख लो भाई, पीछे से आगे से लेफ्ट राइट सब जगह से। और अंदर की बात करें तो भाई अंदर में भी भाई कुछ शानदार ही लुक है भाई, एकदम ओरिजिनल इंटीरियर है भाई। तो यहाँ पर आप लोग देख लो भाई इसका इंटीरियर कैसा है। तो यहाँ पर भाई, यहाँ पर इसका स्टेयरिंग व्हील है भाई, और मीटर भी प्रॉपर वर्क कर रहा है भाई, और बगल में भाई स्क्रीन है, और पीछे आप लोग सीट के टेक्सचर भी देख सकते हो भाई, बिल्कुल मस्त है भाई। तो मुझे तो भाई गाड़ी एक नंबर लगी यार, इसलिए मैं ये वीडियो को बना रहा हूँ यार। और अगर बाहर की बात करें तो बाहर के आप लोग लुक देख सकते हो भाई, क्या ही लग रही है भाई गाड़ी, हो भाई साहब क्या ही लग रही है। तो भाई मैंने इसका तो नंबर प्लेट चेंज कर दिया, वैसे भाई आप लोग भी चेंज कर सकते हो भाई, आप लोग भाई मेन्यू कस्टम में जाकर भाई इसका नंबर प्लेट भी चेंज कर सकते हो यार। तो गाड़ी तो भाई मुझे बिल्कुल मस्त लगी है। तो भाई चलते हैं यार इसके इंस्टॉलेशन प्रोसेस की तरफ, और मैं फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ यार गाड़ी जो है गेम में किस तरह से स्पॉन होगी। तो गाइस मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया भाई, उस लिंक को क्लिक करते हैं भाई, आप लोग ऐसे पेज पर आ जाओगे भाई, यहाँ पर हुंडई i10 कुछ फोटोज बनी होगी भाई। तो क्या करना है भाई, यहाँ पर आप लोग कुछ नहीं करना है, डाउनलोड नाउ पर बस क्लिक कर लेना है भाई। फिर उसके बाद आपकी जो फाइल है यार वो हो जाएगी डाउनलोड। तो यहाँ पर थोड़ा मुझे वेट करना पड़ेगा भाई, नेट हमारा स्लो चल रहा है थोड़ा सा। तो यहाँ पर देख सकते हो भाई, नीचे हमारा डाउनलोड अभी नहीं हुआ है। तो भाई वापस एक बार हम लोग क्लिक करते हैं भाई डाउनलोड नाउ पर, शायद अब हो जाए, इस बार हो जाएगा भाई। तो यहाँ पर देख सकते हो भाई, नीचे हमारी फाइल जो है डाउनलोड होने लग रही है भाई। और आप लोग क्या करना है भाई, नीचे आकर यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भाई पासवर्ड लिखा हुआ है। तो पासवर्ड जो लिखा हुआ है उसको कर लेना है कॉपी, क्योंकि भाई एक्सट्रैक्ट करने में पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर कर लेना है कॉपी, और चलते हैं अब अपने इंस्टॉलेशन प्रोसेस। तो गाइस हमारी जो फाइल है भाई वो तो डाउनलोड हो गई है, तो इस पर क्या करना है भाई, राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हेयर करना है भाई, और यहाँ पर जो पासवर्ड हमने कॉपी किया था उसको कर देना है पेस्ट, क्योंकि भाई बिना पासवर्ड के एक्सट्रैक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर दिया हमने भाई, और देख सकते हो भाई GMC हुंडई i10। तो यहाँ पर क्या करना है भाई, आप लोग को भाई क्या करना है, ये देख सकते हो यहाँ पर DLC फाइल है भाई, तो DLC RPF फाइल है। फिर उसके बाद क्या करना है आप लोग को, ओपन IV को एडिट मोड में कर लेना है भाई, और यहाँ पर क्या करना है, फिर जाना है आप लोग को मॉड्स में, फिर अपडेट में, फिर X64, फिर DLC पैक, और फिर उसके बाद क्या करना है भाई, GMC i10 की जो DLC पहले उसको वहां से ड्रैग करके यहां पर ड्रॉप कर देना है भाई। तो देख सकते हो भाई, जैसे कि मैं यहां पे कर रहा हूं यार, यहां पर देख सकते हो भाई GMC i10 यहां पर हो चुकी है भाई, और पहला प्रोसेस तो यहां पर हो चुका है भाई। अब बारी है भाई सेकंड प्रोसेस की। तो सेकंड में हमें क्या करना है भाई, हमें जाना है भाई मॉड्स में, वापस से अपडेट, update.rpf कॉमन, फिर डेटा में, और फिर उसके बाद जाना है भाई राइट क्लिक करके DLC लिस्ट पे भाई, और करना है यहां पे एडिट मोड में ओपन, क्योंकि हम लोग को यहां पे कुछ लाइन एक ऐड करनी है। तो यहां पर आप लोगों को जो भी लास्ट लाइन दिखेगी उसको कर लेना है कॉपी, और कॉपी करने के बाद नीचे पेस्ट कर देना है उस लास्ट लाइन को, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ भाई। अभी आप लोग देख लो यहाँ मैं कैसे कर रहा हूँ। तो यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया भाई, और बाकी जो बीच में जो लिखा हुआ है जो मेन लाइन है उसको करना है डिलीट, और GMC i10 का जो नेम है भाई उसको आप लोग कर लेना है कॉपी यहाँ पर, जैसे यहाँ पर रीनेम करके भाई, और फिर यहाँ पे करना है कॉपी, जैसे कि नीचे देख सकते हो भाई आप लोग कहीं पे रीनेम होगा यार, तो हाँ ये रहा रीनेम। तो रीनेम पे करके भाई, और अभी आप लोग कर लेना है भाई कॉपी कर लेना है ये वाले नेम को, और ये वाले नेम को कॉपी करने के बाद दोनों लाइन के बीच में यहाँ पर पेस्ट कर देना है, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो देख सकते हो भाई यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पर हो चुका हमारा सेकंड प्रोसेस भी डन, बस क्या करना है आप लोग को, यहाँ पे कर देना है सेव, और फिर हो जाएगा भाई हमारा लिंकिंग पूरा प्रोसेस खत्म। तो यहाँ पे देख सकते हो भाई नीचे में साइड में सेव का ऑप्शन है, तो यहाँ मैं कर देता हूँ सेव, और चलते हैं अपने गेम में, और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ गाड़ी जो है स्पॉन कैसे होगी। तो गाइस मैं वापस से आ गया हूँ यार अपने गेम में, और यहाँ पर आप लोगों को भाई कोई भी ट्रेनर की हेल्प से भाई गाड़ी को स्पॉन करना होगा। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ यार मैन्यू ट्रेनर। तो भाई ट्रेनर जो है मॉडिंग का पहला स्टेप है भाई। तो यहाँ पर मैन्यू ट्रेनर को ओपन करने के लिए आप लोग क्या करना पड़ेगा, एफेट, फिर उसके बाद व्हीकल ऑप्शन, फिर व्हीकल स्पॉनर, और फिर आप लोग क्या करना है भाई सबसे नीचे आ जाना है भाई, सबसे नीचे यहाँ पर इनपुट मॉडल का ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर हमें सर्च करना है GCM i10, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ भाई। तो देख सकते हो GCM i10 यहाँ मैं लिखा, और यहाँ पे इंटर करते हैं, लो भाई आपने आ गया भाई रेड कलर में i10 आ चुकी है भाई हुंडई की i10। तो भाई क्या ही शानदार लग रही है भाई। तो गाड़ी तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया यार। तो उम्मीद करता हूँ यार आज की इस वाली वीडियो में मैंने जो मॉड बताया भाई वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा यार। और लो भाई गाड़ी ठुक गई भाई, मुझे अच्छे से ड्राइविंग नहीं आती। तो यार आप लोगों को समझ में आ गया होगा यार। तो समझ में आ गया तो भाई लाइक कर दो यार वीडियो को, चैनल पर जो भी लोग नहीं है भाई सब्सक्राइब कर दो यार, और ऐसे ही खतरनाक खतरनाक वीडियोज में लाते रहता हूँ भाई। और अगर आप लोगों को मॉडिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो भाई यार आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो भाई, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, और हाँ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना।